प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। प्रार्थना से जुड़े कई पहलू हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। देखिए, प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति इतनी होती है कि वो प्रकृति में बदलाव लाकर आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती है। प्रार्थना का एक नियम है, अपने क्षमता और कर्म के अनुसार ही यदि आप करते हैं तो वह शक्ति जो है वह ब्रह्मांड में जाकर फैलती है और वह आपको हेल्प करता है। सारा शक्तियां ब्रह्मांड विद्यमान है, वह प्रार्थना के स्वरूप उसको हम एकत्रित करते हैं, उस इनर्जी को। प्रार्थना इनर्जी प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर, सटीक और उत्तम साधन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करें प्रार्थना? तो चलिए आपको प्रार्थना करने का सटीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें, उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें, जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। प्रार्थना एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा के बीच का। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक मजबूती प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा और नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चे मन और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। तो अब समझिए प्रार्थना में बसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रार्थना करने से मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती, प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। प्रार्थना में इतनी शक्ति है जो प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से तो आप अपना कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं, जिसको 7 चक्र बताया गया है। तो प्रार्थना में तो इतनी शक्ति है जो मनुष्य, साधारण मनुष्य ईश्वर का रूप बन सकता है और उसको भगवान से मिलन हो सकता है। जितनी भी कामना है वह पूरा हो सकता है। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि उसके लिए किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन उस कर्म की प्रेरणा प्रार्थना से ही निकलेगी। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर आपको कर्मों का सकारात्मक फल जल्दी दे।